हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप घर रहकर अपने घुटने के गैप की समस्या को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, घुटने के गैप की समस्या तब आती है जब हमारे घुटने की अंदरूनी और सामने की मांसपेशियां कमजोर होने लग जाती है। इन मांसपेशियों के कमजोर होने के कारण हमारी दोनों हड्डियों के बीच में गैप कम होने लग जाता है, जिसे घुटने के गैप की समस्या कहते हैं। जैसा कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं कि हमारे घुटने की दोनों हड्डियां होती हैं और इनके बीच में जो ब्लू कलर की आप देख रहे हैं, इसे मेनिस्कस या फिर घुटने की गद्दी कहा जाता है। जब भी आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होती है, इनर थाई की वीएमओ मसल्स कमज़ोर होती है, तो इन दोनों हड्डियों का जो गैप है वो कम होने लगता है। इस गद्दी के ऊपर लगातार दबाव रहता है और लगातार दबाव रहने के कारण ये गद्दी पतली होने लग जाती है और दोनों हड्डियाँ आपस में भिड़ने लगती है जब भी आप सीढ़ी चढ़ते हैं, चलते हैं या फिर बैठते हैं। अगर आप अपने घुटने की अंदरूनी और सामने की मांसपेशी की अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो आप इस समस्या को घर रहकर ठीक कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या के अंदर भी हमें यही समस्या देखने को मिलती है, तो ये एक्सरसाइजेज आपकी उस कंडीशन के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज से आराम मिलता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। दोस्तों, घुटने के गैप को बढ़ाने के लिए हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज, पहली टेक्निक है। इसे करने के लिए आपको तौलिए को रोल करके अपने घुटने के बिल्कुल बीचों बीच रख लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद आपको हाथ से अपने टखने के ऊपर अपने पैर को पकड़ना है और हल्का सा बाहर की तरफ घुमाकर इसे पीछे की तरफ दबाना है। ऐसा करने से आपका जो मिडियल साइड का यानी कि घुटने के अंदर की तरफ की हड्डी जो आपस में भिड़ी रहती है वो ओपन होती है और तौलिए लगाने से आपके जॉइंट के बीच में ट्रैक्शन आता है। इसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपके घुटने के गैप जो पास रहता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। वहाँ की मांसपेशियाँ, वहाँ के टाइट लिगामेंट्स सब लूज पड़ते हैं इस एक्सरसाइज से। ध्यान रखें, आपको वहीं तक प्रेस करना है जहाँ तक आपको दर्द ना हो। दिन में 2 बार इसे आप कर सकते हैं और हर बार 5 से 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के ले सकते हैं। वहीं हमारी दूसरी एक्सरसाइज है हमारी वीक नी की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। घुटने की मांसपेशियां अगर कमज़ोर रहती है तो भी आपको घुटने की काफ़ी समस्याओं को देखना पड़ सकता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अगेन तौलिए को रोल करके अपने घुटने के नीचे रखना है और घुटने की ताकत से नीचे दबाना है। ऐसा करने से आपके घुटने के सामने की, अंदर की और चारों तरफ की मांसपेशियां मजबूत होती है। ये घुटने की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहलाती है, जो कि बिना किसी मूवमेंट के पूरी पावर के साथ में ये होती है। इस एक्सरसाइज को करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहे और घुटने के नीचे ही आपको तकिए को रखना है और दबाने के बाद में 5 से 10 सेकेंड आपको उसे रोकना है। दिन में 2 बार आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, हर बार 10 से 15 रिपीटेशन आपको लेने हैं। सभी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले गर्म पानी का सेक आप घुटने पर कर सकते हैं, जिससे एक्सरसाइज अच्छी हो। वहीं हमारी अगली एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपको घुटने की बजाय इस बार अपने पंजे के यानी हील के नीचे तौलिए को रखना है और फिर हील की ताकत से नीचे दबाना है। ऐसा करने से आपके घुटने के पीछे वाली हैमस्ट्रिंग मसल्स मजबूत होती है, क्योंकि इस मसल्स की वीकनेस के कारण भी घुटने की काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है। इन सभी एक्सरसाइज को करने से आपकी घुटने की मांसपेशियां स्ट्रांग होती है, जिससे गैप का इशू सॉर्ट आउट होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या में ये सभी मांसपेशियां वीक होने लग जाती है, जिसके कारण आपका गैप घुटने का कम होता है। वहीं हमारी अगली एक्सरसाइज के अंदर आपको घुटने को, पैर को सीधा सीधा ऊपर उठाना है। ध्यान ये रखना है कि आपका घुटना इसमें मुड़ेगा नहीं। पैर को 10 से 15 डिग्री ऊपर उठाने के बाद में आपको 10 सेकंड तक रोकना है और फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। इस एक्सरसाइज को आपको दोनों ही पैरों के लिए करना है। हर बार पैर को उठाकर 10 से 15 सेकंड होल्ड करें, जिससे कि घुटने की मांसपेशियों पर ताकत मिल पाए और उसके बाद में इसे धीरे धीरे नीचे रखना है। सभी एक्सरसाइज को आप किसी हार्ड सरफेस पर करें, ज़मीन पर भी आप लेटकर इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एक्सरसाइज से पहले हमने आपको गर्म पानी का सेक इसलिए बताया है, जिससे कि आपकी घुटने की जो टाइट मांसपेशियां होंगी वो गर्म पानी के सेक से थोड़ी नरम रहेगी और एक्सरसाइज करते समय आपको दर्द नहीं होगा।
किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको पेन आता है तो उस एक्सरसाइज को आप वहीं बंद कर दें और बाकी एक्सरसाइज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज के अंदर हमें सेम घुटने को ऊपर उठाना है और सर्किल बनाने हैं। ऐसा करने से घुटने की सामने की, साइड की और चारों तरफ की मांसपेशियां मजबूत होती है। इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना है कि एक बार पैर को उठाने के बाद में आपको 5 सर्किल बनाने हैं क्लॉकवाइज और उसके बाद में फिर नीचे पैर को रखना है। दोनों पैरों के लिए 5-5 बार स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं और फिर धीरे जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो फिर आप इसे 10 बार रिपीटेशन ले सकते हैं अपने एक सिंगल लेग के लिए। वही हमारी अगली एक्सरसाइज है हमारी इनर थाई की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसे हम लोग VMO मसल्स कहते हैं। इस एक्सरसाइज को स्ट्रॉन्ग करना इसलिए ज़रूरी है कि घुटने का गैप हमेशा अंदर की तरफ ही हमें कम देखने को मिलता है और ज़्यादातर लोगों की अंदरूनी मांसपेशियां यानी कि घुटने के अंदर की जो मसल्स होती है, इनर थाई मसल्स होती है, वो वीक होती है। तो इस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको तकियों को दोनों घुटनों के बीच में रखना है और ताकत से आपको ऊपर तकिए को दबाना है। ऐसा करने से आपकी इनर थाई मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है और इस एक्सरसाइज को आपको दिन में 2 बार रिपीट करना है। हर बार दबाने के बाद में 10 सेकंड होल्ड करें और 10 बार इसे रिपीट करें। इसी में अगली एक्सरसाइज है हमारी VMO मसल्स के लिए। इसमें आपको जो तकिया वाला हिस्सा है इसको मोड़ कर अपने घुटने के नीचे रख लेना है और फिर जो लेग वाला हिस्सा है यानी कि घुटने के नीचे वाला जो पैर है उसे सीधा उठाना है और पूरा रोक के रखना है 10 सेकंड तक। ये दोनों ही एक्सरसाइज जो हमने आपको भी बताई है ये आपकी VMO मसल्स को एक्टिवेट करती है यानी कि आपकी इनर थाई की स्ट्रेंथ के लिए काम करती है। VMO मसल्स का काम होता है आपके घुटने का एक लास्ट डिग्री का 10 डिग्री का एक्सटेंशन। तो वही हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं कि अपने घुटने का लास्ट का जो एक्सटेंशन है यानी घुटने का सीधा करने का जो काम है वो इसी मसल्स का होता है। तो इस रेंज पे लाने के बाद में आपको 10 रिपीटेशन लेने हैं इस एक्सरसाइज के और हर बार 10 सेकंड होल्ड करना है। इन सभी एक्सरसाइज को करके आपको अपने घुटने की गैप की समस्या में काफ़ी आराम मिलेगा। तो अगर आपको आराम मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।